फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी बार स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं लेकिन हमें रिटर्न्स वैसे नहीं मिलते जैसे हमने इनिशियली सोचे थे? क्या आपको भी लगता है कि आपका पोर्टफोलियो सो कॉल्ड मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे आपने इनिशियली सोचा था? बहुत लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि रोहित, हम खुद से अपने आप से मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढें? क्या आप भी इतने सारे स्टॉक्स देख के कंफ्यूज जाते हो? क्या आप भी किसी स्टॉक में एंट्री लेने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इस स्टॉक को कब सेल करें या फिर कब तक होल्ड करें, या फिर अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो इसमें एवरेजिंग और करें या नहीं करें? तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो असली गेम है वो है सही नॉलेज को इंप्लीमेंट करना एट द राइट टाइम। आज के रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? यही कि उनके पास कोई सॉलिड रिसर्च नहीं है, उनको कोई सही डायरेक्शन में गाइडेंस देने वाला नहीं है, और उनके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजोल्व करने वाला भी कोई नहीं है, और इसी वजह से आप लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते स्टॉक मार्केट से। कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा कि सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स ने कोई स्टॉक पिक किया और आपने बिना सोचे समझे उस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ गया, फिर पता चलता है कि असली बात तो कुछ और ही थी जो आप लोग समझ ही नहीं पाए। यही फ्रस्ट्रेशन बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स की रियलिटी बन जाती है। सॉलिड फंडामेंटल रिसर्च एंड कन्विक्शन के बिना बस स्पेकुलेशन होती है, और अगर आप अपना पैसा स्पेकुलेट करते हो तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं जानता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स को एक प्रॉपर गाइड और मेंटर की जरूरत है, कोई ऐसा हो जो सिर्फ ना स्टॉक्स के नाम बताए बल्कि मार्केट्स को समझाए कैसा स्टॉक चूज करें वो सिखाए और बताए। तो मेरा नाम है रोहित और मेरे को 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन द स्टॉक मार्केट। सो कोरोना पैंडेमिक में मैंने अपनी और अपने ब्रदर की मेजॉरिटी ऑफ द सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगा दी थी एज द वैल्यूएशंस वर डर्ट चीप, एंड मेरे को लगा कि ये मौका बार बार नहीं आएगा, एंड आई वाज आल्सो एबल टू कन्विंस 4 ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर आल्सो एबल टू गिव मी सम ऑफ द मनी, और मेरे फादर ने भी मेरे को काफी पैसे दे दिए थे एज ही ट्रस्टेड माई केपेबिलिटीज, एंड आई इन्वेस्टेड मेजॉरिटी ऑफ दैट मनी इन स्मॉल कैप स्टॉक्स लाइक दीपक नाइट्राइट, टाटा एलेक्सी, मेदांता, न्यूजन केमिकल्स, राजरतन ग्लोबल वायर्स, LTI माइंडट्री, तेजस नेटवर्क्स, सारेगामा, न्यूलैंड लैब्स एंड मेनी मोर सच स्टॉक्स। इनमें से काफी स्टॉक्स मल्टीबैगर बने एंड आई कंटिन्यू टू होल्ड सम ऑफ दी स्टॉक्स इवन टिल डेट। मेरे फादर भी लास्ट 30 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में हैं एंड ही हैज सर्वड इन द इंडियन एयरफोर्स ऑल हिज लाइफ एंड ही हैज ऑल्सो जनरेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मैंने मोर देन 100 बुक्स रीड करी हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, which has helped me in becoming financially free before the age 30. तो मैं जरा आपसे खुल के डिस्कस करता हूँ कि इस कम्युनिटी में मैं आखिर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करूंगा। सो आई प्लान टू स्टार्ट दिस कम्युनिटी फ्रॉम 5th January 2025। तो मैं हर महीने आपके साथ एक नए सेक्टर का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा और उससे रिलेटेड स्मॉल कैप स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि आगे जाके एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। मैं आप लोगों को फ्रॉम स्क्रैच से सिखाऊंगा बेसिक फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज का मतलब, जैसे कि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने होते हैं, पीई रेशियो क्या होता है, ईवी टू एबिटा रेशियो क्या होता है, रियल एस्टेट सेक्टर में हमें कौन कौन से मेट्रिक्स को एनालाइज करना होता है, फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर में हमें कौन कौन से रेशियोज देखने होते हैं, और ना जाने ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप लोगों को सीखनी बहुत ही जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। हम हर महीने नए नए सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे, सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस, AI, केमिकल्स, बैंकिंग, फार्मा, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, होटल्स, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, मीडिया, इंश्योरेंस, FMCG, फर्टिलाइजर्स, और ना जाने बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनके आपने नाम भी कभी नहीं सुने होंगे। आप इस कम्युनिटी के थ्रू मुझसे अपने पर्सनल क्वेरीज भी पूछ पाओगे और मैं आप लोगों को मार्केट की जनरल कमेंट्री एंड ट्रेंड्स के एनालिसिस भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनते हो तो मैं पर्सनली किन किन स्टॉक्स में एंट्री ले रहा हूं और किन किन स्टॉक्स में से मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, इन सब चीजों की जानकारी भी मैं आपको ऑन टाइम प्रोवाइड करूंगा। इस कम्युनिटी के मैंने क्या प्राइजेस रखे हैं अगर आपको ये जानना है तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप मेरे से वो भी पूछ सकते हो। प्राइसेस मैंने बहुत ही मिनिमल एंड कम रखे हैं जिससे छोटे से छोटा इन्वेस्टर फुल्ली एजुकेटेड बन सके।
कम्युनिटी के प्राइसेस मैंने फर्स्ट 100 लोगों के लिए कम रखे हैं एंड दे माइट इंक्रीज फर्दर इन द फ्यूचर, इसलिए हो सके तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो जल्द ही व्हाट्सएप कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन सिक्योर कीजिए और अपना स्टॉक मार्केट का सफर मेरे साथ शुरू कीजिए। मिलते हैं कम्युनिटी में। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।